अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बर्नौली इक्वेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन होती क्या है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका मेथड भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी ओ फैक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ओ फैक्स इंटू वाई रेज टू द पावर एन। वाई के साथ भी एक्स का फंक्शन है और डिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है और राइट साइड पे भी y रेज टू द पावर n के साथ भी f ऑफ x का ही फंक्शन है। ठीक है, अब जो इस फॉर्म में लिखी भी होगी उसको हम क्या कहते हैं, बर्नौली इक्वेशन। ये इसकी निशानी है, ये y रेज टू राइट साइड पे y की पावर आएगी। ठीक है, y रेज टू द पावर n कुछ भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। वेयर n इज एनी रियल नंबर इज कॉल्ड बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। Note that for n is equal to 0 and n is equal to 1, अगर n की पावर 0 हुई या n की पावर 1 हुई तो ये इक्वेशन सिंपली लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। लेकिन बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्यों, क्या होती है और कैसे, क्या उसका मेथड है, कैसे हम उसे सोल्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो अगर n की पावर 0 या 1 हुई तब तो ये ऑटोमेटिकली लीनियर बन जाएगी, तो हम लीनियर वाला मेथड अप्लाई करके सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर n की पावर 0 या 1 ना हुई फिर हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे u इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 1 माइनस n। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे u इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 1 माइनस n, तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर इक्वेशन में। फिर हम लीनियर इक्वेशन वाला मेथड अप्लाई करके इसको सिंपलीफाई करके सोल्व कर लेंगे। ठीक हो गया, करना क्या है कि अगर y रेज टू द पावर 0 ही या 1 ही, सबसे पहले हमें देखना है इक्वेशन इस फॉर्म में हो तब वो बर्नौली होगी। अगर बर्नौली होगी तो अगर 0 या 1 होगी n की पावर, n 0 या 1 हुआ मतलब y की पावर 0 या 1 हुई तो लीनियर होगी ऑटोमेटिकली, फिर लीनियर मेथड अप्लाई कर देंगे। अगर y की पावर 0 या 1 ना हुई मतलब 2 3 या अप टू सोन हुई तो फिर हम उसको u की जगह ये वैल्यू पुट करके रिड्यूस कर लेंगे लीनियर में, फिर हम लीनियर वाला मेथड अप्लाई कर देंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है, सॉल्व x dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर y रेज टू द पावर 2 y स्क्वायर में लो। ठीक हो गया, अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव भी मौजूद है, कंपेयर करेंगे हम इसके साथ, इधर भी फर्स्ट डेरिवेटिव मौजूद है और राइट साइड पे x y की पावर भी आ रही है, वो 2 आ रही है। ठीक है, और साथ में उसके x का ही फंक्शन है। अब हमें पता चल गया कि ये बर्नौली इक्वेशन है। ठीक हो गया, अब हमने इसको सिंपली ये वाला मेथड अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है। अब देखो y की पावर 0 नहीं है ना ही 1 है, 2 है। अब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे u इज इक्वल टू y ओवर 1 माइनस n। लेकिन सबसे पहले हमने करना क्या है, ये सब्स्टिट्यूट करने से पहले हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में क्या था कि dy ओवर dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहां पे x है तो हम x से दोनों साइडों पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन है उसमें dy ओवर dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x है तो 1 बनाने के लिए हम दोनों तरफ x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर x आ जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर था, एक कैंसिल हो गया, x बच गया। ठीक हो गया, अब ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बन गई जनरल फॉर्म की तरह की। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे u इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 1 माइनस n। अब n हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 है, सिंस n इज इक्वल टू 2 put u is equal to y raise to the power 1 minus n, n की जगह 2 put करते हैं तो 1 minus 2 minus 1 आएगा, तो y हमारे पास क्या आएगा, y raise to the power minus 1 मतलब y inverse आएगा। तो अब u is equal to हमारे पास क्या आ गया, y inverse। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, y is equal to u inverse। ठीक हो गया, दोनों तरफ inverse separate कर दिया। अब हमने सिंपली क्या कर लेना, ये हमारे पास आ गया, हम इसको differentiate कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट से। अब हम x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे dy और dx आ जाएगा राइट साइड पे, पावर रूल लगेगा, पावर शुरू में, पावर में से एक माइनस, आगे बेस का डेरिवेटिव आ गया d ओवर dx। अब पुट करेंगे इसको गिवन इक्वेशन में, आपने बस एक बात याद रखनी है, ये y की जब वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हमने उसको डिफरेंशिएट करके जो dy और dx की वैल्यू पुट करनी है वो इस इक्वेशन में नहीं पुट करनी, जो हमें गिवन होगी ना उसमें पुट करनी है, ये बात याद रखनी है। तो अब हम y की और dy ओवर dx की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं। अब dy ओवर dx की जगह हम ये वैल्यू सारी रिप्लेस कर देंगे, देखो अब हमारे पास dy ओवर dx की जगह क्या आ गया, माइनस
यू रेज टू द पावर माइनस टू डी ओवर डी एक्स, एक्स एज इट इज रहा, ठीक है, ये एक्स एज इट इज रहा, सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स की ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी गिवन इक्वेशन में, प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो यू इनवर्स है, वो भी हमने यहाँ पे पुट कर दी वाई की जगह, ठीक हो गया। इस तरह हमारे पास एक्स स्क्वायर, वाई की हमारे पास वैल्यू है यू रेज टू द पावर माइनस वन, जब हम इसकी इसको स्केयर करेंगे यू रेज टू द पावर माइनस टू बनेगा, ठीक हो गया। अब हमने सिंपली क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, वो कैसे, अब हमने दोनों साइडों करना माइनस एक्स से डिवाइड कर देना है, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, तो इस साइड पर डिवाइड करेंगे माइनस एक्स से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वन बचेगा, ये वाला बाकी इस तरह ही आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे कोई भी कुछ भी वैल्यू नहीं है एक्स की, तो माइनस वन ओवर एक्स एज इट इज आ गया यहाँ पे। इसी तरह जब हम यहाँ पे माइनस वन ओवर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, नीचे वाले एक्स से कैंसिल हो गए, एक एक्स बचेगा और माइनस आ जाएगा यू रेज टू द पावर माइनस टू एज इट इज आ गया। अब हमने दूसरा काम करना क्या है कि दोनों साइडों पे अब u माइनस यू रेज टू द पावर माइनस टू से डिवाइड कर देना, तो जब यहाँ से यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये एक वन बचेगा यहाँ पे, और जब यहाँ पे करेंगे तो देखो u इनवर्स ओवर u रेज टू द पावर माइनस टू, अब ये पावर ये ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो u माइनस यू रेज टू द पावर माइनस वन प्लस टू हमारे पास वन बनेगा, तो यू आ जाएगा सिंपली, इसी वजह से मैंने यहाँ पे डायरेक्टली यू लिख दिया। इसी तरह आप माइनस एक्स यहाँ पे भी यू इनवर्स टू से यू रेज टू द पावर माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो ये भी यू रेज टू द पावर माइनस टू एक्स, दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास वन बचेगा। अब यह हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन गई, ठीक हो गया, जिसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, यू है, ठीक हो गया। अब हमने लीनियर इक्वेशन में हम क्या करते थे कि जो हमारे पास इसका जो कोफिशियंट होता था ना डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हम e की पावर में रख के इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते थे, ठीक हो गया। अगर आपको नहीं पता कि लीनियर इक्वेशन क्या है, कैसे उसको हम सोल्व करते हैं, तो आप लाजमी वो वाली वीडियो देख ले, ताकि आपको बर्नौली इक्वेशन सोल्व करने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे हम, इसका जो कोफिशियंट होगा उसको e की पावर में रख के इंटीग्रेट कर लेंगे, तो इसको e की पावर में रख के हमने माइनस वन ओवर एक्स है e की पावर में रख के इंटीग्रेट किया, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन ओवर एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन माइनस माइनस तो एज इट इज रहा, तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग एक्स आ जाएगी। अब हम जानते हैं कि पावर, अब ये माइनस वन है तो ये माइनस वन पावर बन जाएगा लॉगरिथम रूल के मुताबिक, एक्स इनवर्स हो जाएगा, और हम ये जानते हैं कि ई की पावर नेचुरल लॉग एक्स माइनस वन, ये आपस में एक किस्म के कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ई की पावर नेचुरल लॉग एक्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक हो गया, तो x इनवर्स आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अब ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस x इनवर्स इधर आ गया d ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर x मल्टी इंटू एक्स इनवर्स वन। अब ये x इनवर्स है, x रेज टू द पावर माइनस वन है, जब ये नीचे आएगी पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब वन ओवर x ही आई है, ठीक है, वन ओवर x, और ये भी वन ओवर x, तो जब मल्टीप्लाई होंगे तो वन ओवर x स्क्वायर बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस वन ओवर x स्क्वायर इंटू यू, और यहाँ पे हमारे पास एक ये था x, और जब वन ओवर x से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली हमारे पास माइनस वन बनेगा। तो हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा था, जब हमने इसको सोल्व करने का मेथड देखा था, तो हमने देखा था कि ये जो राइट साइड होती है ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनका प्रोडक्ट रूल बन जाता है, तो ये हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट रूल आ गया लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे माइनस वन एज इट इज आ गया। तो अब हमने सिंपली इसको इंटीग्रेट करके मजीद सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो जब हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन रूल्स के मुताबिक ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली हमारे पास क्या बचेगा एक्स इनवर्स यू, ठीक हो गया, और यहाँ पे जब इंटीग्रेट हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हमें एक बात याद रखनी है कि हमें जो क्वेश्चन जिस वेरिएबल्स में गिवन हो उन्हीं वेरिएबल्स में हमें आंसर देना होता है, क्योंकि हमें इक्वेशन एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन थी, तो हमने आंसर भी एक्स और वाई की फॉर्म में देना है। अब यहाँ पे यू आ रहा है, अब हमने यू को यहाँ से खत्म करना है, यहाँ पे वाई ही लेकर आना है, तो हमने वाई यू की जगह हमने क्या पुट किया था वाई इनवर्स, वो हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यू की जगह वाई इनवर्स आ गया इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी एज इट इज आ गया। अब वाई इनवर्स को हम लिख सकते हैं वन ओवर वाई, ये सिंपली हमने इस तरह लिख दिया। अब हम क्या करेंगे दोनों साइडों पर x से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब जब x से मल्टीप्लाई करेंगे ये x का इनवर्स है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली वन ओवर वाई बचेगा, ये आ गया, और यहाँ पे जब x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स आ जाएगा,
अब ये 1 ओवर y है, हम उल्टा देंगे इसको, ये y हो जाएगा, ये 1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको लाजमी पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, कैसे हम उसको सोल्व करते हैं, उसका मेथड क्या। तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा बर्नौली इक्वेशन को सोल्व करना। तो आप लाजमी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ ले, उसका कॉन्सेप्ट, उसका मेथड भी समझ लें।